मेरा पहला सवाल आपसे है सुधा जी, कि आपकी माता जी को अप्पा के नाम से भी बुलाया जाता था, क्यों? इसका कारण ये है कि मेरा एक मौसेरा भाई था छोटा, मेरी जन्म के पहले, तो एकदम डॉल जैसा था। तो माँ उसको बहुत प्यार करती थी, बहन का लड़का, तो वो माँ को अप्पा 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 करता था। उसका अप्पा अप्पा सुन के फिर वो बड़ा होके भी अप्पा अप्पा बोला। फिर हम लोग जब हुए तो हम लोग भी अप्पा ही अप्पा कहने लग गए। इसका कोई मतलब ही नहीं था, घर के सभी लोग अप्पा अप्पा कहते कहते वो माँ अप्पा अप्पा बन गई। और अब तो ये हो गया कि सोनू निगम भी अप्पा जी, जाकिर भाई भी अप्पा जी, सभी लोग जितने कलाकार हैं सब लोग अप्पा जी। और नहीं तो बहन जो बड़े लोग हैं उन लोग तो सब गिरजा बहन और दीदी कहते हैं, लेकिन अप्पा ही वो सबके लिए अप्पा हो गई। हाँ और मेरा दूसरा सवाल आपसे कि गिरिजा देवी की जो गायन है उसमें कहा जाता है कि माँ सरस्वती बसती थी, हालांकि वो उस लिहाज से गायिका नहीं बन पाई थी, लेकिन आपने अपनी माँ को किस तरीके से देखा है, किस तरीके से याद करती हैं? मैंने अपनी माँ को जो देखा बचपन से, माँ सुबह 4 बजे उठकर, वो एक साधिका थी जो कि अब हम समझते हैं। पहले तो हम लोग सोचते थे कि सच्ची बात है क्या, माँ सुबह उठ के एकदम ऊपर वाले कमरे में एकदम जहाँ कोई ना सुन को डिस्टर्ब करे पूजा पाठ करके एकदम गाती थी, अपना वो आलाप कर रही हैं और ये कर रही हैं, तो हम लोग समझते नहीं थे इतना। तो लेकिन उनके गुरुजी आ जाएं टाइम से एकदम 10 बजे से, उनके जैसे हम लोग के क्लासेस शुरू होते हैं वैसे ही वो शुरू गाए। उस फिर गुरुजी गायन कराने के बाद पंडित श्रीचंद मिश्र जी आते थे, उसके पहले के गुरुजी का मुझे याद नहीं, वो तो मैं बहुत छोटी थी, पर इनका याद है, तब मैं 5 6 7 8 साल की थी ऐसे। फिर गुरुजी से गाना सीखने के बाद उनका उनको सेवा करना, उनको खाना वाना खिलाना, यही सेवा, खावा के गुरुजी थोड़ा आराम करते फिर घर जाते थे। तो इस तरह से वो माँ, अब सोचते हैं कि माँ एक साधिका थी, शायद पूर्व जन्म का उनका कुछ ये था। संगीत उनके लिए बहुत बड़े, और ये बात नहीं थी कि बस संगीत ही कर रही हैं, वो हम लोगों के लिए खाना भी बनाना, हम स्कूल जा रहे हैं तो ये सब कुछ संभालते हुए, पिताजी को भी देखते हुए, सारा सबको संभालते हुए अपने संगीत को रखती थी, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। और अपने शिष्यों को भी माँ ने यही शिक्षा दी, किसी भी शिष्य से पूछे बेटा तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है तुम्हारा घर परिवार, पहले परिवार को देखो, अपने पति अपने बच्चों को देख के संभाल के फिर अपनी संगीत साधना करो। ये नहीं कि तुम अर्जुन जोगन बन गई, गाने लग गई और सारे लोगों को छोड़ के सारे परिवार को उनसे भी विमुख होकर, ऐसा कुछ मत करो। तो ये बच्चों ने, आज भी उनकी शिष्याएं कहती हैं कि हम लोगों ने माँ से सिर्फ संगीत नहीं सीखा, जीवन जीना सीखा है। ये बहुत बड़ी बात है। माँ की एक शिष्या हैं बहुत, अभी वो भी 80s में आ गई हैं, श्रीमती मंजू सुंदरम जी, डॉक्टर हाँ मंजू सुंदरम बनारस की। तो मैं अभी गई थी तो मैं दीदी से मिली, तो मैंने कहा दीदी आप तो माँ की परछाई लगती हैं, मैं तो हूँ बेटी लेकिन हमको तो लगता है असली बेटी आप ही हैं। तो हंसने लगी, बहुत प्यार से मुझे, मुन्नू आओ बहुत अच्छा लगा बेटा इतने दिन बाद तुमसे मिले। तो वो भी यही बात कहा उन्होंने कि बेटा माँ ने हम लोगों को जीना सिखाया। उनके हस्बैंड भी बगल में बैठे थे सुंदरम जी, उन्होंने इतने प्यार से हम लोगों को जो गायन सिखाया, और उस गायन शैली में जैसे खुद ब खुद हम लोगों को लगता था कि हम लोग खुद साधना करते हैं ईश्वर का। माँ के गाने में एक ईश्वरीय तत्व तो था, ये बात सही है। श्रृंगारिक जितनी भी श्रृंगारिक ठुमरियाँ हैं उनको उन्होंने ऐसा उसमें एक सूफीज्म ला दिया, श्रृंगार से एकदम चली जाती थी भक्ति के रूप में, ये उनकी बड़ी विशेषता थी। और इसी के कारण आज उनकी ठुमरी इतनी क्यों फेमस हुई है, इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली है, कि एक श्रृंगारिक चीज़ को आप कहाँ से कहाँ ले जाके एकदम भक्ति रस में आपने उसको उत्प्रत कर दिया,
नहीं तो एक समय ऐसा था कि लोग शास्त्रीय संगीत गाने के साथ साथ ठुमरी नहीं गाते थे, क्योंकि ठुमरी का बड़ा दरबारों में गा गा कर फिर उसके बाद कुछ अलग तरह से लोग उसको गाने लग गए थे, तो उसको वहाँ से माँ उठा लाई। माँ ने कहा, और माँ को साहित्य से बहुत प्रेम था, पढ़ी लिखी, माँ कहती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, माँ इंटर पास थी। उनका सर्टिफिकेट मैं खोज रही थी, वो कहीं टंगा रखा था, अब की बना से मिला नहीं, मैं जाके देखना होगा लॉफ्ट में। तो वो ये नहीं कि एकदम अपने जितने उनके इंग्लिश के ये में आता था प्रोग्राम्स का जितना कॉन्ट्रैक्ट पेपर वगैरह सब पढ़ती थी और कायदे से, तो ये बात है। लेकिन उनको साहित्य से बहुत लगाव था, और जिस गीत में जिस जो बंदिशों में साहित्य अच्छा नहीं रहता तो वो अपने गुरुजी से कहती थी, गुरुजी हम नहीं सीखेंगे, दूसरा आप जरा अच्छी जैसे कुछ शब्द ऐसे थे जो उनको अच्छा नहीं लगता था तो कहती थी पुराने ज़माने की चीज़ हो सकता सिखा रहे हो, तो बदल देती थी। तो गुरुजी कहते तुम लोग पढ़े लिखे हो, बदलो, बदलोगे तो बदल दो। कहती थी अब जैसे राजा जी कैसे हो, तुम बिन लागे ना जी या राजा जी, अब कहें अब राजा वाजा का ज़माना चला गया गुरुजी, उस जमाने में राजा रहते थे, अब राजा नहीं, इसको श्याम बना दूँ ना, भगवान के नाम से कर दूँ। तो उन्होंने बहुत उसको इजीली उसको ट्रांसफ़र कर दिया, गुरुजी भी कुछ नहीं कह पाते थे, बोलते थे बहुत मतलब हंसी की बात हो जाती थी कि अब राजा कहाँ रह गए कि राजा जी को कहें संबोधित करें। अच्छा, हम देख लेते हैं कई कविता। ये बताइए कि आपकी माँ के बारे में ऐसी कुछ बातें, आपके माता जी के बारे में दुनिया बहुत कुछ जानती है, ऐसी कोई बातें जो आप हमारे साथ साझा करना चाहती है जो आपके बहुत करीबी रहा हो, कुछ यादें? माँ के साथ बड़ी खुली किताब थी वो बिचारी, हर कोई उनकी, हर बच्चे हर लोग सब कोई एकदम, बड़ी सहजता थी उनके अंदर में, कभी किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं किया, कभी किसी की बुराई नहीं, अगर हम लोग कभी किसी के लिए कुछ बोल दें, नहीं बेटा कभी नहीं बोलना चाहिए, हर किसी का पॉजिटिव पॉइंट देखो, नेगेटिव मत देखो, तो ये सब शिक्षाएँ माँ की। और बहुत डिसिप्लिन वाली थी माँ, बहुत सच को वह महत्व देती थी, झूठ से बहुत चिढ़ती थी, कहती थी तुम कुछ भी करके आओ मुझे सच बता दो। इसलिए हम लोगों की आदत नहीं थी कि कभी कुछ गलत कर सकें, क्योंकि माँ को फेस नहीं कर सकेंगे, कहती थी अगर किसी को मार के भी आओगे ना तो मुझे बता दो, झूठ मत बोलो। ये बात उनकी, ये सब लोग नहीं जानता, बहुत डिसिप्लिन, अनुशासन उन्हें प्रिय थी, खुद भी अपने पिताजी के अनुशासन में, अपने खुद भी अपने पति को सब चीज़ बहुत अनुशासन से करती थी, हम लोगों को भी वैसे ही रखती थी। और जगत उनका सभी भाई थे, बहन थे, हमारे तो कितने मामा, वही तो कहते हैं माँ के बाद मामा लोग ही हमारे इतने सब, चाहे वो जसराज मामा जी हो, हरी मामा जी, हरी प्रसाद जी, सभी लोग बहुत, इसीलिए आज भी हमको जितने लोगों से माँ का ये रहा है, मुझे आज तक सब लोग बहुत प्यार करते हैं वैसे ही, और जितनी उनकी शिष्याएं हैं, चाहे वो यहाँ की जितनी शिष्याएं हैं, डालिया राउत से लेकर बनारस में बस हमारी मंजू दीदी से लेकर, मालिनी अवस्थी से लेकर सुनंदा शर्मा, सभी बच्चे, रीता देव, सब मैंने जितनी माँ की एज थी उतनी उनकी शिष्य थी, हम लोग यही कहते थे हर जन्मदिन पे, कहते थे माँ अभी आपका 60 मना रहे हैं, देखिए आपकी 60 शिष्य हैं, ऐसे ऐसे हम लोग ये करते थे। और ऐसी कोई बात जो जनरल लोग ना जाने, और बड़ी अच्छी हाउस वाइफ थी मेरी माँ, एक नारी में जो जो चीज़ होनी चाहिए अब वो हम लोग समझते हैं, वो माँ में था एकदम,
इतना अच्छा खाना बनाती थी, जिस जगह जाती थी वहाँ के जगह का खाना सीख के आ जाती थी। और जितने आते थे, जितने कलाकार लोग घर में आते थे मिलने, पहले उनको खाना खिलाएंगी माँ अच्छी तरह से, बनारस का चूड़ा मटर, मलाई पाक उनके हाथ का, सब लोग खा खा के खुश। तो हम लोग कहते थे कब, एक बार एक रिकॉर्डिंग में जा रही थी, ये बड़ी मज़ेदार बात है, HMB की रिकॉर्डिंग थी कलकत्ता में। तो हम लोग माँ अचानक किचन में जाके पूड़ी सब्जी और बहुत कुछ बना रही हैं। तो हमने कहा माँ अचानक अब क्यों बना रही हैं? अरे वो तुम लोग नहीं समझोगे, रिकॉर्डिंग में चलना है ना। तो हम लोग सब चलने वाले थे दमदम में, HMV की रिकॉर्डिंग थी। तो हमने कहा इतना खाना क्यों बना रही हैं? अरे बेटा हम जाएंगे तो क्या हम अकेले खाएंगे? तुम लोग खाओगी तो वहाँ जो रिकॉर्डिंग वाले लोग हैं वो लोग नहीं खाएंगे, वो भी तो बच्चे हैं, उनके लिए भी तो सबके लिए ही बना के लिए चल रहा है। तो वो पूरा एकदम पैक करके कम से कम 15-20 लोगों का खाना, हाँ अपने ही बना। तो मैंने बहुत बन बन गया जब लेके वहाँ गई वहाँ बैठ के, तो मैंने कहा माँ आप गिरिजा देवी हैं गायन के लिए या खाना बना के ले आके खिलाने वाली माता जी हैं? तो बोलिए अब जो सोचो। और वो लोग इतने खुश, रिकॉर्डिंग वाले, वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि हमारे लिए खाना लेके माँ आएंगी इतना। तो ये सब चीज़ें बहुत उनकी अलग अलग थी, सबको परिवार के तौर पर एकदम परिवार की तरह देखती थी।